लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भैराख मैं पापे ऐसी जली कि कोयला भई ही न राख एक बहुत सुंदर सा गीत बजा था आज भी लोगों के कानों में गुनगुना रहा है वो बिल्कुल अरे खुशी का है मौका आपके मन की बात आज मैं पूरी कर रहा हूं खुशी का है मौका मगर क्या करूं नहीं आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं आज मेरी खुशी का ठिकाना संजय भैया जैसा कि आपने बताया राजू मस्ताना जी ने बबुआ बांडे पप्पू जी और जयकरण की श्रद्धांजलि गानी चाही लेकिन गा नहीं पाए अभी स्वयं की रचना चुकी रात में समय मिला नहीं तो हमने कहा कुछ प्रयास करें आइए चलता हूँ हालांकि मैं कलाकार नहीं हूँ लेकिन प्रयास करता हूँ कि उन भाइयों के लिए दो शब्द इस चूंकि विशाल मंच है इस मंच के माध्यम से कुछ कह सकूं सुनेगा दस तारीख की जब याद आती है या जब भी लोगों को याद आएगी जो भी कीर्तन सुनते हैं हाँ, जो जुड़े हैं या जो कीर्तनकार हैं क्योंकि जिस समय पर यह घटना हुई ठीक 8 बजे मेरे पास फोन आने शुरू हो गए संपूर्ण रात्र मेरे पास फोन आए दूसरे दिन 4 लोग जो घायल अवस्था में थे कानपुर रेफर कर दिए गए लेकिन 2 डेड बॉडी वहां पड़ी थी बबुआ पांडे जी की और पप्पू जी की जयकरण जी आकर के कानपुर में खत्म हुए तो हम लोग सुबह मैं और बड़े भाई श्री लालमन चंचल जी पहुंच गए महोबा कि यहाँ तो सभी लोग देखने आ रहे हैं जो डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी हैं वहाँ से पीएम करवाना है पोस्टमार्टम करवा करके कानपुर लाना है हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए और रात में 10 बजे उन दोनों भाइयों को लेकर के वापस आए लेकिन रोक नहीं पाता कोई Yeah!
दर्दनाक घटना याद आती है। संजय भैया, रोक नहीं पाता कोई आंखों से पानी, रोक नहीं पाता कोई आंखों से पानी, याद आती है जब उनकी कहानी, याद आती है जब उनकी कहानी, कैसे सुनाऊं मैं अपनी जुबानी, कैसे सुनाऊं मैं अपनी जुबानी, कैसे सुनाऊं मैं अपनी जुबानी। एक सच्चाई बबुआ पांडे जी की पिताजी ने हमसे कही, वास्तव में वो सत्य है। मैं था, विनोदी जी थे, राजेंद्र अवस्थी जी थे, बाबूलाल राजपूत थे, मध्य प्रदेश के कई कलाकार थे। बिमलेश पांडे जी ने, उनके पिताजी ने एक बात कही, किस वेद पुराण में लिखा है कि एक पिता पुत्र की लाश को उठाए, किस वेद पुराण में लिखा है? हम लोग निरुत्तर हो गए। वास्तव में विद्वान जनमानस बैठा है, नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, मैं इस बात को जानता हूं कि होनी तो होकर के रहती है, टलती नहीं है, लेकिन ये माया मुझे आज परेशान कर रही है। बिलक बिलक कर रो रहे हैं उनके पिता, हम लोग भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। कहना पड़ा, माना कि होने ये होनी नहीं है, ये होनी नहीं है, अनहोनी पाता वो, अनहोनी पाता वो कैसे है सहती, अनहोनी पाता वो कैसे है सहती। बबुआ पांडे की मां हार्ट पेशेंट, अरे कैसे सह रही हो? अनहोनी माता वो कैसे है सहती, लेकिन बाप की चिता को बेटा लगाए, बाप की चिता को बेटा लगाए, बेटे की अर्थी पिता कैसे उठाए, कैसे उठाए? उनके पिता ने कहा, विमलेश पांडे जी ने, आखिर मरना तो मुझे चाहिए, ये मेरा लाल मर गया, मेरा पुत्र मर गया, बेटे की अर्थी पिता कैसे उठाए। लेकिन स्थिति उनकी क्या है? शुद्ध बुद्धि खोया पिता, शुद्ध बुद्धि खोया पिता, सुन के सबकी पानी। जिस सोम पर रात में 8 बजे फोन आया, एक्सीडेंट हो गया क्रांतिमाला की गाड़ी का, और बबुआ पांडे नहीं रहे। शुद्ध बुद्धि खोता पिता, सुन के सबकी पानी, याद आती है जब उनकी कहानी, याद जाते उनकी कहानी, याद जाते उनकी कहानी। हम लोग तेरहवीं में
पहुंचे जाकर के उस बहू को मैंने देखा, उसकी स्थिति देखी, जो 2 वर्ष पहले बुआ पांडे के घर में एक दुल्हन बनकर के आई वो बेटी। मैंने उस बेटी के पिता को भी देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं मुझे वहां से हटना पड़ा। कैसे? हाथों की मेहंदी पांडे की पत्नी के ये शब्द सुन करके मेरा हृदय द्रवित हो गया। कहां डूबा सूरज आई रात काली, और सुन करके आंखों में आंसू है आए। कब? जब मैंने उनके बुआ पांडे की बच्ची को देखा जो 1.5 वर्ष की है, मोबाइल लिए घूम रही है, ये मेरे पापा, सभी को दिखा रही हो बच्ची अपने पिता की फोटो। कौन सह सकता है ये दर्द? वो 1.5 साल की बेटी, क्या मालूम उसे कैसे। सुन करके आंखों में आंसू है आए, बिटिया पूछती पापा नहीं आए। आदरणीय हमारे दादाजी की ओर से ये 101 रुपए हैं। मैं आपको हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इतना अभागी हूं कि आज अपने भाई की श्रद्धांजलि गा रहा हूं, उससे बड़ा अभागी कोई नहीं हो सकता है। वो बच्ची सभी के पास में जा रही है, अपने पिता की फोटो, बुआ पांडे की फोटो दिखा रही, मेरे पापा कहां है, मेरे पापा नहीं आए। आदरणीय दादा की ओर से 10 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिटिया पूछती है पापा नहीं आए, क्यों क्यों क्यों? प्यारी सी कुड़िया की, प्यारी सी कुड़िया की पोतली जुबानी, प्यारी सी गुड़िया की पोतली जुबानी, रुकता नहीं एक बात और कहना चाहूंगा, वो मां जिसने 9 महीने उधर में रखा अपने कलेजे के टुकड़े को, कैसे देखेगी इस अवस्था में? बिलखती है माता, बिलखती है माता छोटा सहारा, कहां गो गया है, कहां खो गया है हीरा हमारा, कहां गया
मेरा लाल पढ़ांगे मेरा बउआ पांडे। कहां खो गया है हीरा हमारा, ये कीर्तन जगत में, कीर्तन जगत में सभी को वो प्यारा। कलाकारी तो अपनी जगह है, लेकिन बउआ पांडे क्या ऐसा था जो कोई कह दे इसमें ये कमी थी? कलाकार अच्छे अच्छे हैं, किसी के पास में सुंदरता नहीं है, किसी के पास में प्रेम नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, उसके पास में सब कुछ था। सुंदरता भी थी, कला भी थी, स्नेह प्रेम भी था, धन भी ईश्वर कृपा से खूब है उसके पास। लेकिन कीर्तन जगत में सभी का वो प्यारा, चमकने लगा अब वो बन करके तारा, चमकने लगा अब वो बन करके तारा। कैसे प्यारी प्रिया की गई हर एक नियानी, प्यारी प्रिया की गई हर एक निशानी, रोके नहीं रोकता आंखों से पानी, रोके नहीं आदरणीय हमारे भैया की ओर से 21 रुपए है इस श्रद्धांजलि गीत पर। उसका एक बड़ा भाई है सचिन पांडे, कई वर्षों तक उसने हमारे साथ में संगत की है, कई वर्षों तक हमारे साथ उसने संगत की है। बउआ पांडे छोटे थे, लेकिन फिर भी बड़ा होने के बाद भी बउआ पांडे को उस बड़े भाई ने गुरु बनाया, और हर गुरु पूर्णिमा में अपने छोटे भाई के वो पैर छूता था। वो बड़े भाई का स्नेह, बड़े भाई का त्याग, और जब वो मुझे मिला आदरणीय वाले जवाहर भैया की ओर से ये 21 रुपए है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब वो सचिन पांडे हमसे मिला, शुद्ध बुद्ध खो दिया था उसने, तब से 13वीं तक अपने शुद्ध में नहीं है कि मेरा ये भाई, मेरा गुरु, मेरी शान आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए भाई कह रहे हैं भाई मेरा छोटा, कैसा हूं भाई, कैसा हूं भाई, मुकद्दर ये फूटा, कैसा हूं भाई ये मुकद्दर है फूटा, भाई से भाई का नाता कैसे टूटा, ईश्वर ने हम आज ऐसा लूटा, ईश्वर ने हमको आज ऐसा लूटा। लेकिन हमारे वो तीनों भाई जयकरण जी, पप्पू जी, बउआ पांडे, बउआ का जग में, बउआ का जग में नहीं कोई सानी, जयकरण का जग में नहीं कोई सानी, पप्पू जैसा कोई बोले ना जुबानी, रुकता नहीं है देखो आंखों से पानी, रुकता नहीं आंखों से पानी, रोक नहीं पाता कोई
जिस समय महुआ जा रहे थे उनकी मिट्टी को लेने के लिए, रास्ते में एक बात सोचते हुए जा रहे थे। कभी कभी फिल्मी दुनिया वाले भी, फिल्मी दुनिया वाले भी कितनी सुंदर पंक्तियां लिख देते हैं, बस वही बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। वो पंक्ति कौन सी है? अरे चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, कहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, कहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए। क्यों? एक आह भरी होगी, हमने ना सुनी होगी। अरे मेरे भाई, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त कहते हम हर पल ये रहेगा गम, कहां तुम चले गए, हो कहां तुम चले गए। इसे अपनी वाणी को विराम देता हूं। संपूर्ण रात में जाने जाने किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो आप क्षमा करिएगा, क्योंकि अब हमारे हिसाब से गाने बजाने का माहौल रहा नहीं। आगे कभी अवसर मिलेगा आप सभी की सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद।